बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स जनरल मैथ लेक्चर है आज आप लोगों का 5C और यूनिट आपका 9 ही है और एक्सरसाइज भी आपकी 9.2 है और जिसमें हम अपने ग्राफ बना रहे थे और ग्राफ में आपके पास एक इक्वेशन दी जाती है और आपने उसमें एक्स की वैल्यूज अपनी मर्जी से और प्लेस करनी है। आज हमने उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 और करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास वाई की वैल्यू एक्स बाय 2। दैट मीन्स हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज लेंगे जो जिसे हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और उसमें तो ये था कि आपने -3 से माइनस करना था फिर उसको 2 से डिवाइड करना था, यानी ऐसी वैल्यूज ली थी जो कि -3 के बाद उसका आंसर वो रह जाए, इवन रह जाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि आपका डिवीजन फॉर्म है और 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप सिंपली इवन नंबर्स ले सकते हैं ताकि आपकी कोई भी वैल्यू डेसिमल में ना जाए और वाई की वैल्यूज होल नंबर में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लें, -4 ले लें, -2 ले लें, 0 ले लें, 2 ले लें और 4 ले लें। हालांकि 0 को आपका कोई भी ना इवन कहलाता है ना ही ऑड कहलाता है, लेकिन यह है कि इसका आंसर भी एक होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसमें बहुत दफ़ा मैंने इसे देखा है कि रिपीट हुआ है। तो इसे स्टार्ट करने लगी हूँ, मैंने एक्स की वैल्यू -4, -2, 0, 2 और 4 ले ली हुई है। अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेने लिखने लगी हूँ -4, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 पे वाई की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। अगर हम मैंने ये एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वाई की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू जो है वो 0/2 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो वाई की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और एक्स की वैल्यू आपके पास अगर 4 है तो वाई की वैल्यू को 4 से यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव है, 1 0 है और 2 वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, उसका भी सबसे पहले टेबल बनाएंगे। अब टेबल में मैं एक्स की वैल्यू -4, -2, 0, 2 और 4 लिख रही हूँ और जहाँ पर उसकी वैल्यू वाई की -4 पर वाई की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू -2 पर आपकी वाई की वैल्यू -1 है, 0 पर 0 ही था, 2 पर 1 और 4 के ऊपर आपकी वाई की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, उसके अब हम इस पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्लेस करेंगे। ग्राफ आपका वही है, आपकी वही 2 लाइंस एक्स एक्सिस जिसकी और वो वाई एक्सिस जिसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ की हुई है, और राइट साइड पर जो है जहाँ पे क्रॉसिंग हुई थी वहाँ पे 0 लिखना है। राइट साइड पर पॉजिटिव एक्सिस है की वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और ये याद रखिएगा कि आपने नेगेटिव 0 से स्टार्ट कीजिएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग हुई थी ऊपर अपर वैल्यूज सारी वाई की पॉजिटिव हैं और लोअर वैल्यूज़ आपकी सारी नेगेटिव हैं, और ये यहाँ से -1, -2, -3 से इनके कर दीजिएगा। अब हमने इसको -4 जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू -4 है और वहाँ पर वाई की वैल्यू -2 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा -4 और -2। फिर आपकी एक्स की वैल्यू -2 है जो ये है और वहाँ पर वाई की वैल्यू -1 आ रही थी, और 0 पर आपका एक्स भी 0 था और वाई भी 0 था, यहाँ पर भी मैंने इसको भी डॉट को किया। इसके बाद आपकी जब पॉजिटिव 2 था तो वाई की वैल्यू 1, जब पॉजिटिव 4 था तो वाई की वैल्यू 2 थी। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। एरोस, और यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ ये पॉइंट्स के लोकेशन, -4, -2, -2 पर -1, और यहाँ पे 0 0 भी है तो 0 0 का भी पॉइंट लिखा जाएगा। फिर है उसके बाद 2 और 1 और लास्ट है 4 एंड 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ ली है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि
कि शॉर्टिंग में मैंने आपको 6 या 7 पॉइंट्स के साथ काम करवाया था, और एग्जाम्स में आप 4 और 5 के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ ड्रॉ करनी है एक लाइन को, और तो उसके लिए ज़्यादा पॉइंट्स की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी, लेकिन आपने एग्जाम्स में 4 और 5 पर अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रैक्शन का था, इसलिए हमने जो एक्स की वैल्यूज़ थी वो इवन नंबर्स लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसका टेबल बना दिया गया। आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है और आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, आप प्रैक्टिस के तौर पर उसका सेकंड पार्ट खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके कॉपी में मेंशन हुआ है, उसकी वह एक्स की वैल्यू 3 है, 2, 1, 0, -1, -2 और -3, जबकि 3 पर आपकी वाई की वैल्यू -5 होगी, 2 पर -3, 1 पर -1, 0 पर 1 और -1 पर 3, -2 पर 5 और -3 पर 7 की वैल्यू। यानी दैट मीन्स कि अगर गौर से देखें तो पॉजिटिव एक्स है तो आपकी वाई की वैल्यू नेगेटिव है, और जब आपकी नेगेटिव एक्स की वैल्यूज है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। मैंने पहले की तरह ग्राफ प्रिपेयर कर लिया हुआ है पहले से ही, अब मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और तो वाई की वैल्यू -5 होनी चाहिए, ये 3 और ये -5 पहला पॉइंट, फिर उसके बाद 2 पर आपकी -3 होगी और ये सेकंड पॉइंट, 1 पर आपकी -1, 0 पर आपकी, ये जो 0 है एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू आपकी 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। उसके बाद है नेक्स्ट -1 और वहाँ पर आएगी वैल्यू आपकी 3, अब यहाँ पे -2 पर आपकी वैल्यू 5 पर है और -3 पर आप वैल्यू है 7 जो कि यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिल गए और एंड में इसके एरो ड्रॉ कर दें, ठीक है। एरो का मतलब है कि ये कंटिन्यूस है, और फिर यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ, -3 और 7, फिर -2 और 5, देन -1 और 3, फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू 0 थी 1, देन फिर उसके बाद 1 और -1, 2 और -3, 3 और -5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में और बाकी क्वेश्चन में ये फ़र्क था कि क्वेश्चन आपके फर्स्ट से लेकर जो 9 तक थे आपने एक्स की वैल्यू खुद प्लॉट की थी और फिर उसके बाद वाई की वैल्यूज आई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने आपको पूरा का पूरा टेबल बना दिया हुआ है और आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद से ग्राफ बनाना था। और क्वेश्चन नंबर मैं आपको रिव्यू की एक्सरसाइज है, उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के मिलते जुलते हैं, तो वो मैं चाह रही हूँ कि आप उसे साथ ही कर लें रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज का आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको उसका फर्स्ट पार्ट दिया था होमवर्क में, जब हमने लेक्चर 9 यूनिट का जो फर्स्ट लेक्चर किया था तब। अब मैं कर रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 3rd और 4th पार्ट, ठीक है। बाकी तो इजी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगर आप वो से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिल रहा है, -x/2 -5/2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 का फ़र्क है और वहाँ पे एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था, ठीक है।
ये है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 और उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th दोनों पार्ट लिख दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें और उसमें क्या लिखा हुआ है कि y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1। आप x की वैल्यू यहाँ पर जो भी पुट कर लें, नेगेटिव पुट कर लें और पॉजिटिव पुट कर लें, -3 -2 -1 0, और आप उसे सिर्फ +1 करते जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक की चेंजेज होंगी। अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और यहाँ पर -2 होगा तो y की वैल्यू -1 होगी, यानी एक का डिफरेंस होता जाएगा x की वैल्यू में और y की वैल्यू में। जबकि मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर फ्रैक्शन भी है और उसके बाद माइनस भी करना है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होम टास्क है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये आपने होम टास्क है, ये आप खुद कर सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 करने लगी हूँ जहाँ पर एक्स की वैल्यू, अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो, माइनस होने के बाद 2 से डिवाइड हो, लेकिन उसमें से -5 भी माइनस करना है, तो आप इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर ऑड के नंबर्स ले लें। तो मैं -7 -5 -3 और 3 और 5 लेने लगी हूँ, ठीक है, यानी 5 नंबर लेने लगी हूँ, 5 नंबर से स्टार्ट करने लगी हूँ। हम पुट करेंगे x की वैल्यूज उसमें इक्वेशन में, -7 यहाँ पे माइनस बाहर है और -7 के साथ भी नेगेटिव का साइन है, ठीक है, और 2 क्योंकि दोनों भी सेम है तो मैंने उसे एलसीएम लेके कंबाइन कर दिया, ये हो जाएगा +7 2/2 तो 1 आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू जब आप -5 लेंगे, -5 -5 और 2 +5 -5 और ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू आप -3 y की वैल्यू -3 -5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा +3 -2 और 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और जब -2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखने हैं 3 y की वैल्यू, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो -8 -4/2 ये -8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव 5 वाई की वैल्यू जो है, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी था और ये पॉजिटिव था तो ये दोनों के दोनों सेम साइन हो गए, -10/2 तो ये हो जाएगा -5, ठीक। यहाँ पे टेबल की मैंने जगह रख ली है ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी रहे। ये टेबल ड्रॉ हो गया, टेबल में आप मैंने एक्स की वैल्यूज लिख लिया जो कि -7 -5 -3 3 और 5 है। -7 पे वाई की वैल्यू 1 आई थी और -5 पे वाई की वैल्यू 0 थी, ये जो ये लिखी हुई है। -3 पे वाई की वैल्यू -1 थी, 3 पर वैल्यू -4, 5 पर वैल्यू -5 हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू करते हैं। x की वैल्यू -7 पर आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव थी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने लगा -7, ये -7 और यहाँ पर 1 की वैल्यू, ठीक है, फिर -5 पर आपकी जो वैल्यू है वो 0 है, -3 पर वैल्यू है नेगेटिव में चली गई है, ठीक है, उसके बाद हमने +3 लिया था, +3 पर आपकी जो वैल्यू है वो -4 है ये, और फिर उसके बाद 5 पर आपकी जो है वो वैल्यू -5 है, ठीक है, आप इन पॉइंट्स को मिला दें, यहाँ पर है 5, ये 5 और ये 5, तो यहाँ पर मिले पॉइंट आएगा, ठीक है। अब पॉइंट्स को मिलाने लगी थी,
ये आपका पहला पॉइंट था माइनस सेवन और वन, फिर उसके बाद था माइनस फाइव और ज़ीरो, फिर उसके बाद माइनस थ्री और माइनस वन, फिर उसके बाद थ्री और माइनस फोर, फाइव और माइनस माइनस फाइव, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इतने गैप है इसलिए क्योंकि मैंने माइनस टू वन और पॉजिटिव वन की वैल्यू नहीं ली थी। आप कोई से पांच वैल्यूज लेके उसके साथ करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली चाहेंगे तो आप माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस वन, वन और थ्री और फोर फाइव भी ले सकते थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड फिफ्थ फोर्थ पार्ट मैंने कर दिया है आपके सामने। थर्ड आपके लिए होमवर्क है जो यहाँ पे मेंशन भी हुआ है होम टास्क के तौर पर, ये कि ये आपका क्वेश्चन नंबर आपके होम टास्क में है, ठीक। अब आपके एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं 9.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये आगे 9.2 का आपका पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है। 11 का फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 क्योंकि सेम इसके मिलते जुलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को गौर से देखें ज़रा, मैं आपको इसका क्लोज व्यू कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई, आइडेंटिफाई थ्रू द गिवन ग्राफ द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डोमेन और रेंज वो कुछ वर्ड्स आपको याद आए होंगे, हमारे यूनिट नंबर 8 में थे और मैंने इवन के क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 9 के स्टार्ट में बताया था कि डोमेन वो वैल्यूज़ होती है जो आप किसी भी नंबर के या पॉइंट के फर्स्ट नंबर को डोमेन बोला जाता है। और जैसे कि हमने एक्स की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर ग्राफ किए थे तो एक्स की वैल्यूज़ जो हम पुट कर रहे थे, जो हमने खुद सेलेक्ट की थी, वो डोमेन कहला रही थी। जो वाई की वैल्यूज आ रही थी वो रेंज कहला रही थी। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक वैल्यू दें तो वो कितनी उसकी फैलाव हो सकता है वो रेंज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे और वो सेकंड वैल्यू पॉइंट्स के किसी भी पॉइंट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स एक्सिस और सेकंड वैल्यू वाई की थी, लेकिन जब हम डोमेन और रेंज का नाम देंगे तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो डोमेन कहलाएगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जरा 12 में गौर से देखें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 का क्लोज लुक आ रही है, जाके आपको देख नज़र आ रहा होगा कि ये सी पॉइंट है जिसके पास वो उसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 2। ये आपका बी है जिसके है 0 और 1, और ये है आपका ए जिसके हैं -1 और -4। आप जब इसका डोमेन लिखने चाहेंगे, मैं आपको इस बुक पे ही लिखने के देने लगी हूँ, तो डोमेन आपकी जो होगी ये -1, 0 और 1, यानी उसकी एक्सिस के वैल्यूज जो हैं, जो एक्स की वैल्यूज या फर्स्ट वैल्यूज हैं। और जब आप रेंज बोलेंगे तो रेंज आपका -4, -1 और 2 होगा और ये इसकी रेंज कहलाएगी। बस आपने इसे इसी पर मैं आपको फ़िलहाल तो बुक पे ही लिखने लगी हूँ। और आप ये याद रखिएगा कि आपका ये वाला क्वेश्चन इसी तरह होगा, आप उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। डोमेन तो डोमेन का आपका जो सेट बनेगा वो होगा -1, 0 और 1 और रेंज आपकी -4, -1 और 2 थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी बिल्कुल सेम इसी तरह के ही हैं। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर करना चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर खुद करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मेंशन है उसके आपके सिलेबस के मुताबिक, ठीक। और इस आज के लेक्चर में आपका 9.2 मुकम्मल हुआ। 9.2 में ग्राफ थे आपके पास, इक्वेशन थी, उसमें आपने एक्स की वैल्यूज को खुद से सिलेक्ट किया, खुद डोमेन दिया और वाई की जो वैल्यूज आने लगी थी तो उससे हमने ग्राफ बनाया हुआ है। 9.2 आपकी ग्राफिंग की थी, ग्राफ बनाए थे और मैंने इससे मिलते जुलते जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और क्वेश्चन नंबर उसका फोर्थ पार्ट, थर्ड मैंने आपको होमवर्क में दे दिया और फोर्थ पार्ट मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया इसलिए क्योंकि वो आपके फ्रैक्शन में था और कुछ माइनस करना था, कुछ प्लस करना था, ठीक है। और इसके बाद होगी नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा उसमें हम करेंगे 9.3
और ये याद रखिएगा आप लोगों की क्लासेस और स्कूल अगर स्टार्ट हो गए 15 से, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने ग्राफ कॉपीज के साथ लाना है। आपकी 9.1 और 9.2 मुकम्मल होनी चाहिए, और जो आपकी 9.3 है वो भी, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर ही होने वाली है, तो इसलिए जब आप अपनी क्लासेस में आए तो अपनी ग्राफ कॉपीज लेके आए। उससे ये होगा कि आते साथ ही आप लोगों के 9.3 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं अपनी ग्राफ कॉपीज लाएंगे तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, और मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो 9.3 आपको इंशाल्लाह उसकी जो इंट्रोडक्शन होगी वो दिन क्लास में ही होगी, और 9.1 और 9.2 जो आप लोगों के यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ब्राय मेहरबानी उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तब मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।